रेजिस्टेंस यहाँ पर आए तो वो अप डाउन ना हो, फ्लैक्चुएशन ना हो, यही आज का मेन टॉपिक है जो ऑप्टोकपलर आईसी को चेक करने में हमें करना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी पावर सप्लाई में लगी हुई ऑप्टोकपलर आईसी को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जिसे सीख करके आप 101% चाहे आप कोई भी मशीन की पावर सप्लाई रिपेयर करते हो उसमें लगी ये ऑप्टोकपलर आईसी आप चेक कर पाएंगे और उससे संबंधित आने वाले फॉल्ट भी आप आराम से रिपेयर कर पाएंगे। वैसे तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पावर सप्लाई का फॉल्ट आता है किसी भी तरीके का, जैसे वोल्टेज अप डाउन होना या वोल्टेज का ड्रॉप होना या वोल्टेज के आके भाग जाना, तो कोई भी ऐसे फॉल्ट आने पर लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस टाइप के मॉड्यूल्स का। कुछ टेक्नीशियन भाई ऐसे होते हैं जो किसी मॉड्यूल को लगाए बिना ही पावर सप्लाई को रिपेयर करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उनको उसी पावर सप्लाई का फॉल्ट निकालने में ज़्यादा आनंद आता है। अगर आप भी ऐसे टेक्नीशियन हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए आज की ये वीडियो है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक ऑप्टोकपलर आईसी का डायग्राम बना हुआ है, या ये कह सकते हैं कि ऑप्टोकपलर आईसी के अंदर का नक्शा यहाँ पर बना हुआ है। ऑप्टोकपलर आईसी में चार पिन होती हैं। पिन नंबर एक वो पिन होती है जहाँ पर एक डॉट बना हुआ होता है, और इसके बगल में पिन नंबर दो, उसके सामने पिन नंबर तीन, और तीन के बगल में पिन नंबर चार होती है। पिन नंबर एक और दो से एक एलईडी डायोड लगा होता है जिसका एनोड पिन नंबर एक, कैथोड पिन नंबर दो से जुड़ा होता है, और पिन नंबर तीन और चार से एक ट्रांजिस्टर जुड़ा होता है जिसकी सिर्फ दो पिन यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। पिन नंबर तीन पर इमीटर, पिन नंबर चार पर कलेक्टर जुड़ा होता है ट्रांजिस्टर का। इसके बेस को जो सिग्नल दिए जाते हैं, जो बेस को इशारा किया जाता है काम करने के लिए, वो इशारा करता है ये एलईडी डायोड। जब ये एलईडी डायोड सिग्नल देगा उसके बाद ही ऑप्टोकपलर आईसी की पिन नंबर तीन और चार के बीच में जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं। वो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा इस लाइट के हिसाब से होते हैं। ये लाइट जितनी तेज होगी रेजिस्टेंस भी उस हिसाब से वेरी करेगा। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ऑप्टोकपलर आईसी पावर सप्लाई में लगी हुई होती है और पीडब्ल्यूएम आईसी से पिन नंबर चार का कनेक्शन होता है और पिन नंबर तीन ग्राउंड होती है, और पिन नंबर एक और दो को वोल्टेज मिलता है जिस वोल्टेज के अनुसार ये जो डायोड है ग्लो करता है। वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी तो ये तेज जलेगा, वोल्टेज कम मिलेगी तो ये कम जलेगा। तो कम और तेज जलने से इस ट्रांजिस्टर को इशारा मिलता है जिससे यहाँ पर वोल्टेज में बल्कि रेजिस्टेंस में बदलाव होते हैं, और उन रेजिस्टेंस के बदलाव को PWM IC समझकर पावर सप्लाई के वोल्टेज को स्टेबल रखती है। वोल्टेज को बढ़ाना है तो बढ़ाती है, घटाना है तो घटाती है। अगर ऑप्टोकपलर आईसी ख़राब हो जाती है, इसमें अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया या इसमें ये डायोड ख़राब हो गया, तो डायोड अगर ख़राब हुआ तो ये रोशनी प्रॉपर एक जैसी नहीं देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस स्टेबल नहीं रहेगी, तो ये PWM IC वोल्टेज को घटाती बढ़ाती रहेगी पावर सप्लाई के। और अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तब भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन आएगी पावर सप्लाई में कि या तो वोल्टेज अप डाउन होंगे या वोल्टेज ड्रॉप होंगे या फिर वोल्टेज आकर के भाग जाएंगे। तो अब मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि ऑप्टोकपलर आईसी को मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। दोस्तों ऑप्टोकपलर आईसी को चेक करने के लिए आपको दो मल्टीमीटर लेने हैं। एक मल्टीमीटर को आपने कर देना है 20 किलो ओम पर, और दूसरे मल्टीमीटर को आपने कर देना है बजर रेंज पर, ठीक है। उसके बाद ऑप्टोकपलर आईसी की पिन नंबर तीन और चार पर आपको एक तार जोड़ करके इस तरीके से, जैसा भी आपको ठीक लगे, सहूलियत हो आपको, आप मीटर की वायर के अंदर आपने इनको जोड़ लेना है।
इस तरीके से आपको जोड़ लेना है दोस्तों तारों को। ये देखिए पिन नंबर 3 पर मैंने ब्लैक वायर लगाया है और पिन नंबर 4 पर रेड वायर मैंने लगाया है, और उसके बाद जो दूसरा मीटर है उसकी रेड वायर पिन नंबर 1 और ब्लैक वायर पिन नंबर 2 पे आपको लगाना है। ऐसा करने पे दोस्तों क्या होगा कि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसकी जो रेजिस्टेंस है अभी हाई है, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस उसकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि देखिए 20K पे हमने मीटर को रख के ट्रांजिस्टर पे लगाया है तो कोई वैल्यू यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम पिन नंबर 1 और 2 पे मीटर की तार लगाएंगे, मीटर को बजर पे रख के, तो वोल्टेज मिलेगा इसके अंदर के LED डायोड को, तो वो ग्लो करेगा जिससे इस ट्रांजिस्टर को इशारा मिलेगा, जिसकी वजह से जो ट्रांजिस्टर है उसका इमीटर और कलेक्टर है उसका जो फासला है वो कम हो जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देंगी। अभी हाई रेजिस्टेंस है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, जब रेजिस्टेंस लो हो जाएंगी तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा रेजिस्टेंस का। तो हम यही चीज़ देखते हैं दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, और रेजिस्टेंस दे रहा है तो कहीं वो रेजिस्टेंस फ्लक्चुएशन तो नहीं कर रही है। मेन पॉइंट दोस्तों वीडियो का यही है ऑप्टोकोपलर IC में कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आए तो वो अप डाउन ना हो, फ्लक्चुएशन ना हो, यही आज का मेन टॉपिक है जो ऑप्टोकोपलर IC को चेक करने में हमें करना चाहिए। तो अभी हम चेक करके देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसको थोड़ा इस तरफ घुमा लेते हैं ताकि चेक करने में आसानी हो जाए। ये यहाँ पर हमने कर लिया है। उसके बाद पिन नंबर 1 पर लगाया रेड वायर और पिन नंबर 2 पर आपको लगाना है ब्लैक वायर। तो और अब आप देख सकते हैं जहाँ पर पहले मीटर में कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा था और अब वहाँ पर कर रहा है 3.24 किलो ओम। ये रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है पिन नंबर 3 और 4 पर, ये रेजिस्टेंस पिन नंबर 1 और 2 पर दिए गए वोल्टेज के अनुसार कम ज़्यादा होते हैं। तो इसमें चेक करने वाली बात यह है दोस्तों कि जितना भी वोल्ट आप पिन नंबर 1 और 2 पर देंगे, जितना भी वोल्ट आप देंगे और वोल्टेज दिए जाने के बाद पिन नंबर 3 और 4 पर जो भी रेजिस्टेंस मीटर दिखा रहा है तो वो रेजिस्टेंस बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, उनमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहे हैं और वोल्टेज आपने बिल्कुल फिक्स दिए हैं पिन नंबर 1 और 2 पर, तो इसका मतलब होता है कि ऑप्टोकोपलर IC ख़राब है। और अभी आप देख सकते हैं वोल्टेज बिल्कुल फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ये ऑप्टोकोपलर IC बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी सर्किट का, किसी भी पावर सप्लाई का ऑप्टोकोपलर IC चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपका जो बेसिक नॉलेज है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ होगा ऑप्टोकोपलर IC के बारे में, और आप भी पकड़ पाएंगे ऑप्टोकोपलर IC के फॉल्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, यानी हमारी गुरुदक्षिणा अभी तक नहीं दी है, तो आप ज़रूर दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में और भी जानकारियाँ हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।